क्वेश्चन नंबर टू पार्ट थ्री, हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, और हमें इसी फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है और इसी फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा करना है। तो डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले टेस्ट पॉइंट्स लेंगे एक्स, जो कि हमारे पास -27 होगा, -8 होगा, और हमारे पास -1 होगा, 0 होगा, 8 होगा और 27 होगा, और इधर 0.1 भी होगा। तो हमने हमारे पास ये जो टेस्ट पॉइंट्स है या फिर एक्स की वैल्यूज़ के इस इनको हमने ऐसे क्यों उठाए हैं, क्योंकि हम इन ताकि हमारे पास जो ये इनपुट्स है या एक्स की वैल्यूज़ जो हमने चूज़ किए हैं, अगर हम इसको इस फंक्शन में पुट कर ले तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसीलिए मैंने इन पॉइंटों को चूज़ किया है, क्योंकि इनके क्यूब रूट्स पॉसिबल है या फिर इनके क्यूब रूट्स हमारे पास एक रियल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। और हमारे पास y या f ऑफ x की वैल्यूज़ फिर क्या होंगी, अगर हम x की जगह -27 पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ -27, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ -3 का होल क्यूब। हम -27 की जगह -3 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, और 3 और क्यूब रूट हमारे पास होंगे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा -3, यानी हमारे पास -27 पर वैल्यू आ जाएगा -3, और हमारे पास -8 पर वैल्यू आ जाएगा -2, और हमारे पास -1 पर वैल्यू आ जाएगा -1, और 0 पर वैल्यू आ जाएगा 0, और हमारे पास 1 पर वैल्यू आ जाएगा 1, 8 पर वैल्यू आ जाएगा 2, और 27 पर वैल्यू आ जाएगा 3। तो ये चीज़ हमारे पास टेस्ट पॉइंट्स थे और उनके हमारे पास आंसर्स। तो हम अगर इस लाइन एक्स को स्टडी कर ले, हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन में अगर हम एक्स की जगह माइनस वैल्यूज़ भी पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और अगर हम प्लस वैल्यूज़ भी पुट कर ले हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हमारे पास रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स ये भी बराबर होगा ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास जो सेट ऑफ आउटपुट्स है ये भी हमारे पास रियल नंबर्स में से ही है, जिनमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी शामिल है, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी शामिल है, और ज़ीरो भी शामिल है। और अभी हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -27 से लेकर +27 तक है, तो हम इन दो पॉइंट्स को लेंगे नहीं, हम इन पांच पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास 8 से शुरू हुआ है, तो हम इधर लेंगे -2, -4, -6, फिर हमारे पास -8 और -10, और इधर भी हम 2 लेंगे तो +2, +4, +6, फिर +8, फिर +10, +12, और y की वैल्यूज़ जो है सबसे बड़ा हमारे पास -2 है, तो हम इसको थोड़ा सा फासले पर लेंगे। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये है +1, ये है +2, और ये है हमारे पास +3, और इधर हमारे पास +4, और ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, और y की वैल्यूज़ नेगेटिव में भी हमारे पास सबसे बड़ा -2 में है, तो हम इधर भी इसको लेंगे -1, इसको लेंगे -2, इसको लेंगे -3, इसको लेंगे -4, और अभी हमारे पास अगर x की वैल्यू -8 हो तो y की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो x की वैल्यू -8 ये रहा और y की वैल्यू -2 ये रहा, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा इधर, और हमारे पास -1 पर आंसर है -1। तो अगर हमारे पास ये -1 है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारे पास -1 वाई एक्सिस पर ये होगा, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। और हमारे पास 0 पर पॉइंट है 0, तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट आ जाएगा, और हमारे पास
ये पॉइंट प्लस वन है, और तो हमारे पास एक्स की वैल्यू अगर प्लस वन हो तो उसका आंसर वाई पर भी प्लस वन आ जाएगा। तो इस वन को अगर हम ऊपर शिफ्ट करें तो ये वन के साथ इधर हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एट, तो एट पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है प्लस टू, तो ये आ जाएगा इधर। और अगर हम इन पॉइंटों को मिला लें तो हमारे पास इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स है। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट फोर, जिसमें हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स गिवन है, और हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, और इसी फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा करना है। तो हम सबसे पहले इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए हम लेंगे टेस्ट पॉइंट्स एक्स की वैल्यूज़, और उससे जो आउटपुट्स हमारे पास हासिल होगा वाई की वैल्यू या फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़। तो हम टेस्ट पॉइंट लेंगे, स्टार्ट करेंगे माइनस फोर से, फिर माइनस टू, फिर माइनस वन, फिर ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, फिर फोर। हमने ये पॉइंट्स उठाए हैं, और अगर हम फंक्शन में एक्स की जगह माइनस फोर पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर, और अगर माइनस टू पुट कर ले तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू आ जाएगा, और अगर माइनस वन पुट कर ले तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, अगर एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर ले तो स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो के बराबर, तो ये इसका आंसर ज़ीरो, और अगर हम एक्स की जगह वन पुट कर ले तो स्क्वायर रूट ऑफ वन बराबर होगा वन के वन, और अगर हम एक्स की जगह टू पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू, या स्क्वायर रूट ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास 1.414 है, और अगर हम एक्स की जगह फोर पुट कर ले तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ फोर आ जाएगा टू, या फिर हम इसके बाद जैसे कि नाइन भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि नाइन पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नाइन आ जाएगा थ्री। तो हमने ये टेस्ट पॉइंट उठा ली है, जो कि हमारे पास सिंपल में माइनस वैल्यूज़ भी है और प्लस वैल्यूज़ भी है, और हमारे पास ज़ीरो भी है, और हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस वैल्यूज़ पुट कर ले तो इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वैल्यूज़ में आ जाएगा, जो कि काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये सभी वैल्यूज़ जो कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस समथिंग में आया है, ये सभी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स है, और हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में शामिल नहीं है। तो अगर हमारे पास ये आंसर्स रियल नंबर नहीं है तो इनके जो इनपुट्स है वो भी सेट ऑफ डोमेन में शामिल नहीं हो सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो टोटली हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर्स पर ही हमारे पास रियल नंबर्स आंसर देगा। तो हमारे पास बराबर होगा पॉजिटिव रियल नंबर, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर है ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और ज़ीरो ख़ुद हमारे पास शामिल है इसी सेट में। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रेंज को हम स्टडी करेंगे इस वाई या फिर एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू से जो कि हमारे पास आउटपुट है। तो हम आउटपुट में ये देख सकते हैं कि सभी वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव में ही है, और इसके बाद भी अगर हम 16 या 25 या कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर लें उनका आंसर पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो हमारे पास रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स ये भी होगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, या फिर द इंटरवल विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो टिल प्लस इन्फिनिटी, ये चीज़। और अभी हम इसी फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, यहाँ पर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, यहाँ पर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, यहाँ पर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन,
ये हमारे पास 8 और ये हमारे पास 9। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है 0, 0 पर हमारे पास एफ ओ एक्स की वैल्यू है 0। यानी अगर x भी 0 हो तो y का वैल्यू भी 0 होगा, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू भी 1 होगा, तो ये x की वैल्यू प्लस 1, y की वैल्यू प्लस 1, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। और अगर हमारे पास पॉइंट 2 हो, यानी x की वैल्यू 2 हो, तो y की वैल्यू हमारे पास 1.41 आ जाएगा। तो ये 2 और हमारे पास 1.4, तो 1.4 इधर आ जाएगा तकरीबन, तो 2 पर 1.4, तो ये पॉइंट। और उसके बाद हमारे पास 4 पर वैल्यू है 2, तो 4 पर इसका वैल्यू है 2, ये रहा। और उसके बाद हमारे पास 9 पर इसका वैल्यू है 3, तो 9 और ये 3 हमारे पास। अगर हम इन पॉइंटों को मिला ले तो ऐसा हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, जो कि ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का।